को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे, परंतु आज मैं सिर्फ कोविड और विशेषकर दिल्ली की कोविड की परिस्थिति के लिए बात करने के लिए आपके सामने हूं, क्योंकि विगत दो सप्ताह में दिल्ली में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, कोऑर्डिनेशन भी बढ़ा है और धीरे धीरे स्थिति को हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली की जनता से साझा करना जरूरी है और जागरूकता की दृष्टि से भी ये जरूरी है और उनको जो करना है उसके लिए भी जरूरी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया, सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे, ना जगह बचेगी ना बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ, उनका अनुमान जो था वो आंकड़ों के आधार पर थे, मैं वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु एक भय की स्थिति पैदा हुई। एक दूसरा निर्णय आ गया कि दिल्ली के बाहर की व्यक्तियों को दिल्ली में इलाज नहीं कराया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी दिल्ली के बाहर का हूँ, मैं भला कहाँ जाऊँगा अगर मुझे कुछ होता है तो। दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत सारे राज्य के लोग यहाँ पर रहते आते हैं जाते हैं, आसपास के राज्यों से जैसे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, हर एक व्यक्ति का इलाज हर एक अस्पताल में होगा। और उसके बाद में मैंने 14 तारीख को एक कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बुलाई और जो आप बात कर रहे हैं वो सारे फैसले कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में हमने करे। एक कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव खाका है इसमें तीन, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, तीन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल तीन संस्थानों का आता है, तो दिल्ली सरकार स्वतः, दूसरा MCD, तीन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और तीसरा भारत सरकार। कोरोना के खिलाफ की लड़ाई की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भारत सरकार के तज्ञों के पास थी, जैसे डॉक्टर पॉल है, नीति आयोग के मेंबर हैं, हमारे डॉक्टर भार्गव हैं ICMR के हैं और एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी हैं। ये तीनों के पास पूरे देश भर की स्थिति और दुनिया भर की लेटेस्ट स्थिति की जानकारी थी। भारत सरकार काफ़ी कुछ मदद भी कर सकती है, दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार का मेन रोल है ही है और अस्पताल बहुत सारे MCD के हैं। तो मैंने मीटिंग बुलाई, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी आए, उप मुख्यमंत्री जी भी आए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, ये तीनों डॉक्टर भी थे और बाद में MCD के मेयरों के साथ भी मीटिंग की। इसमें हमने बहुत सारे निर्णय लिए और आज मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि 5.5 लाख वाली स्थिति 31 जुलाई तक नहीं आएगी। आम तौर पर दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन करने की और व्यवस्थाओं को ठीक करने की, मगर जब मनीष जी का बयान आया तब मुझे लगा कि अब भारत सरकार को प्रेक्षक नहीं बनाना चाहिए, मोदी सरकार की पूरे देश की जवाबदारी, प्रधानमंत्री जी की पूरे देश की जवाबदारी। प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे कहा कि भाई गृह मंत्रालय ने इसमें इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ना चाहिए, दिल्ली सरकार को मदद करना चाहिए। आज भी मैं स्पष्ट कर रहा हूँ दिल्ली सरकार को हम मदद, सबसे पहला निर्णय करा कि 30 जून तक कंटेनमेंट जोन के हर घर का सर्वे हो जाएगा। इसमें हल्का सा भी लक्षण है जिसमें कोरोना का, खांसी भी है, जुकाम है, बुखार है, कुछ भी है, सर दर्द है, सूंघने की क्षमता चली जाएगी है, टेस्ट चला गया है, ये सारे लोगों की सूची तैयार करी और हमने मास लेवल पर टेस्टिंग बढ़ाया। पहले मैं बाद में टेस्टिंग पर आऊँगा, मगर मास लेवल पर टेस्टिंग बढ़ाया और मुझे भरोसा है कि ये 30 तारीख तक हम पूरा कंटेनमेंट जोन का टेस्टिंग कर देंगे और बाद में 21 जुलाई को तय किया कि पूरे दिल्ली का हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे। और मुझे भरोसा है कि 31 जून को 5.5 लाख केस नहीं होंगे, हम अच्छी स्थिति में होंगे, बेड की कमी भी नहीं होगी। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।